हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू तबू किचन कॉर्नर दोस्तों क्या आपको भी खीर खाना पसंद है मुझे तो स्पेशली खीर या फिर मीठी रेसिपीज बनाना और मीठी रेसिपीज को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा मैं मेरे लिए खीर बना रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर कर दूँ तो आइए तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक कोई पैन चढ़ा दिया है बस पैन को हमें थोड़ा तला मोटा चाहिए इसका ध्यान रखिएगा तो यहाँ मैंने तकरीबन 500 सौ एम फुल फैट वाला मिल्क डाला है अगर आपके पास फुल फैट नहीं हो तो जो भी मिल्क रहेगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने खीर को रिच टेस्ट लाने के लिए हमने थोड़ा सा केसर लिया है और उसको दूध में भिगा दिया है ये भिगाने के लिए हमने थोड़ा सा ठंडा मिल्क ही इस्तेमाल किया हुआ है इसको हम साइड में रख देते हैं जब तक हम अपने दूध को एक उबाल लेने के बाद में हमने वहाँ एक कटोरी उतना भिगा हुआ साबुदाना इस्तेमाल किया हुआ है साबुदाने को मैंने यहाँ चार से पाँच घंटे के लिए पहले भिगा कर रखा था तो इस तरह से हमने अभी दूध को एक उबाल लेने के बाद में उसमें डाल देना है और इसी तरह से दूध को उबालते रहना है दूध को दो से तीन ऑटनी आने के बाद में हमने उसमें स्लाइसेस किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाला है और जितना हमने साबूदाना लिया था उसके आधे हिस्सा शुगर डाला है ये सारा मटेरियल डालने के बाद में हमें इस तरह से चलाते रहना है जिससे हमारा दूध भी औरता रहेगा और उसको रबड़ी फॉर्म में आता रहेगा अब ये जो केसर हमने भिगोया था वो अच्छा सा केसर या रंग उसमें छोड़ दिया है और हमने इसको डाल दिया है केसर डालने से हमारी जो खीर का स्वाद होता है दुगना तिगुना भी हो जाता है और अब एक कटोरी में हमने ठंडा मिल्क लिया है और उसमें मिल्क पाउडर डाला है दो से तीन टी ये है ऑप्शनल अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डालने से एक क्रीमी टेक्स्चर हमारे खीर का बन जाता है इसके बजाय आप कंडेंस मिल्क भी अगर हो आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हो तो यहाँ हमारी खीर ऑलमोस्ट पक गई है काफ़ी गाढ़ी फॉर्म में भी हो गई है और साबुदाना भी अच्छे से कुक हो गया है अब इसको हम सर्व कर लेते हैं बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये खीर जितनी ठंडी होगी उतने खाने में मज़ा देगी तो हमने इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था फिर उसको दो घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और उसके बाद ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाती है जब भी कोई मेहमान आते हैं ये खीर जल्दी जल्दी बन जाती है और इसमें आपने देखा कि हमने तेल या घी इस तरह से कोई भी हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ये बहुत जल्दी बन जाती है खर्चा भी कम लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि हमने केसर यूज़ किया हुआ है मिल्क पाउडर यूज़ किया हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना क्रीमी और कितना उसका टेस्ट केसर की वजह से रिच आ सकता है तो दोस्तों यहाँ हमारी ठंडी ठंडी खीर बनकर रेडी है तो ये ठंडी ठंडी खीर आप खाइए घर वालों को खिलाइए या फिर ऐसे इमरजेंसी में कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी बनाइए बहुत ही जल्दी बन जाती है टाइम की बचत क्विक और इजी रेसिपी है ऐसे ही मजेदार और क्विक रेसिपीज के लिए तब्बू किचन कॉर्नर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में और नए तरीके को लेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय